गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू एपिसोड गाइस। एंड आज का ब्लॉग गाइस मस्त नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो प्लीज़ यार आप ब्लॉग में बने रहना। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि ब्लॉग को लास्ट तक वॉच करना एंड एंजॉय करना आज के ब्लॉग में, क्योंकि गाइस ये जो ब्लॉग होने वाला है ना यार, ये मोटिवेशनल के ऊपर हो रहा है। क्योंकि मेरे को एक बंदे ने बोल रखा था भाई, आपने जैसे कि आपने लास्ट सेकेंड ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैं नहीं कर पाया था, बट आप मेरा ये लास्ट ब्लॉग चेक किया होगा यार, उसमें कुछ प्लेस का कुछ इशू हो रखा था। बट मैंने एक जगह गया तो यहाँ पे थोड़ा सा गाइस फैमिली रह रही थी मेरे न्यू वाली होम पे, तो गाइस मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया। एंड यार फाइनली मैंने अपने सोचा कि जब मैं अपने बेड पे ही जहाँ पे मैं सोता हूँ नीचे, यहीं पे मैं ब्लॉग को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस एक वो बंदे ने मेरे से बोल रखा था भाई आप इतना काफ़ी मोटिवेट कैसे रहते हो गाइस, जिसका गाइस मोटिवेट के अंदर से होना चाहिए मोटिवेशन। गाइस अगर आप किसी से किसी को देख मोटिवेट होते ना गाइस, अधिक से अधिक दिन भर में 7 घंटे या फिर 3 दिन से 4 दिन तक मन लगाओगे यार, सोचोगे भाई ये काम मेरे को करना है, उसने कर रखा है मेरे को भी करना है, आप देखोगे और आप वो काम करोगे, एक दिन करोगे, दूसरे दिन भी करोगे, तीसरे दिन भी करोगे, चौथे दिन से गाइस भूल जाओगे, आप सोचते रह जाओगे करना क्या, एक दिन किया, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया, चौथे दिन रुक जाओगे कहोगे हाँ कल करेंगे। भाई कल क्यों करना, करना तो तू आज करना। मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मेरे को देखते हैं भैया लोग, कई लोग देखते हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो मेरे को कहते हैं कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है, इससे क्या होने वाला, ये क्या चीज़ है, मेरे को उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, मेरे को पता है कि हाँ मुझे ये करना है। मैं काफ़ी मोटिवेट हूँ गाइस कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे मेरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरा ड्रीम गाइस जो है वो कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अपना एक लक्ष्य होता है। क्योंकि गाइस एक मैंने आप अगर आप कमेंट करते हो गाइस, मैं इसके पूरा लास्ट तक जाऊँगा, पूरे एंड तक इसको अंदर से इसको विस्तार से इसको बताएंगे यार, ये तो पूरा एक मोटिवेशन वाला ब्लॉक ही हो जाएगा। 7-8 अगर इसका पूरा अंदर तक घुसेंगे गाइस तो ये 7-8 ब्लॉग तो एकदम यू बन जाएगा इसमें, इसलिए कि इसमें इतने काफ़ी टॉपिक हो रखे हैं ना, सिर्फ मोटिवेशन के अंदर इतने काफ़ी टॉपिक है गाइस, ब्लॉग ख़त्म ही नहीं होगा, इतने टॉपिक है यार, ब्लॉग बनाते जाओ गाइस। उसने मेरे से बोला कि आप मोटिवेट करते रहते हो, तो मैं पहले तो मैं बता दूँ कि गाइस मैं मोटिवेट रहता हूँ, पहला तो है संदीप महेश्वरी सर, जिनका मैं वीडियोस बराबर रेगुलर वॉच करता हूँ एंड फुल वॉच करता हूँ। एंड गाइस जो दूसरा जो गाइस जो है कि हाँ मैं अपने आप से एक मोटिवेटेड हूँ, इतना काफ़ी मोटिवेटेड हूँ, कोई कुछ भी कहे चाहे वो क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है, कह रहा है मुझसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ मुझे ये करना है तो मतलब करना ही है, अपना एक ड्रीम होना चाहिए गाइस। अगर हम अपना एक छोटी सी ड्रीम गाइस रखते हैं ना, छोटी छोटी ड्रीम कर लोग कहते हैं, सच कहते हैं कि हाँ भाई छोटी छोटी ड्रीम को पूरा करोगे बड़ा ड्रीम या ऑटोमेटिक आ जाओगे, लेकिन गाइस जब बड़े ड्रीम की जब सोच रखोगे ना, छोटा छोटा ड्रीम तो अपने आप पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं ब्लॉग कर, अगर आप ब्लॉग समझते आप ब्लॉग ही कर रहे हो, आपका ड्रीम है कि हाँ मेरे को एक वो लेना है, कैमरा लेना है, ओके 360 स्टिक लेना है, गोरिल्ला पॉड लेना है, आपको कुछ भी उसका यूज होने वाला प्रोडक्ट लेना है कि हाँ आप बाद में ये कर सको, आपने कुछ सामान भी लिया, आपको पता है कि हाँ हमको भाई ऐसा ऐसा करना है, आपने कुछ सामान ले लिया, आपका ड्रीम है कि हाँ मेरे को ये करना है, आपने वो सामान लिया गाइस, वो छोटा छोटा ड्रीम जो है वह तो आप पूरा हो गया ना, अब आपकी जो बड़ी ड्रीम हो रही है उसको गाइस पूरा करो ना, कि हाँ आपका कहीं कहीं बड़ा ड्रीम होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये करना है, छोटा ड्रीम तो गाइस ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा, जब बड़ा ड्रीम आप करा रहे हैं तो छोटा ड्रीम तो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। मैं इस ब्लॉग अपने अंदर बना रहा हूँ, ये आप देख रहे हो क्या पूरा ये मच्छरदानी है, इसके अंदर मच्छर नहीं काटेंगे, तो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी बांध कर रखा है, क्योंकि अभी ठंडी चल रही है, एंड गाइस अभी का जो गाइस यहाँ का मैं विंटर सीजन का टेम्परेचर बता दूँ तो गाइस 12 डिग्री के अराउंड हो रखा है यहाँ का टेम्परेचर। एंड गाइस जो अब जो ठंडी पड़ने वाली है ना यार, अगर ये
ऑलमोस्ट अगर दिसंबर तक लगा लें, दिसंबर जनवरी में, तो ये गाइस 3 डिग्री पे आ जाती है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, अधिक इतने पे आता है इधर ट्रेंड, बस इतना रहता है, 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर रहता है यहाँ का नॉर्मली। मोटिवेट रहने के लिए गाइस पहला आप तो आपको तो लोगों से डरना सोचना हो छोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग जिससे डर रहे हो उससे आप डरना छोड़ो। आप क्यों डर रहे हो? आप पहले तो आप डरना छोड़िए। आप जिनसे भी डर रहे हो डरना ख़त्म करो साहब। आपके मन में जो भी है खुल के जियो। गाइस आपने कभी ये सोचा है कि हाँ मेरे खुद अपने आप से आपने कभी अच्छा गाइस आप ये बताओ आपने कभी आपने खुद से कभी 5 मिनट 10 मिनट बैठ कुछ भी क्वेश्चन पूछा है अपने ड्रीम के बारे में? अपने आप से पूछो कि हाँ मेरे को ये करना है, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ? आपने कभी अपने आप से पूछा है कोई ऐसे क्वेश्चन बनाया है अपने मन से? आपने कभी क्वेश्चन अपने आप से पूछा है? अगर नहीं पूछा यार कहीं खाली जगह पे जाओ जहाँ पर कोई ना हो, नो नेटवर्क, नो नेट, नो डाटा यूज़। आप कहीं सिंपल से जगह पे जाओ, छत के टेरेस पे चले जाओ, या फिर कहीं अगर आप कहीं पहाड़ों के बीच रह रहे हो तो आप पहाड़ के टॉप बिल्कुल टॉप पे जाओ, वहाँ पे बैठो, वहाँ से पूरी आपकी शहर दिखेगा, वहाँ से मतलब पूरा शहर दिख रहा हो, जंगल दिख रहे हो। आप जाओ एकदम मस्त हवाएं चलेंगी, आ हा 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 हा, आप भी कहोगे। वहाँ पे जाओ एकदम मस्त बैठो, इन्जॉय करो। एंड आप अपने आप से पूछो कि क्या कर रहे हो, ये क्या हो रखा है? आप खुद से पूछो, भाई बता, मन बता, मेरा ये क्वेश्चन है। आप भाई मजाक कर रहा हूँ, आप कभी जाओ यहाँ से टेरेस पे जाओ। भाई टेरेस पे जाने का मतलब ये मत समझ लेना कि हाँ यहाँ से जाके कूदना है, भाई ये मत समझ लेना। टेरेस पे जाओ, बैठना यार, और बैठना और खुद से एक बार पूछना, बैठ करके जो भी आपके मन में सवाल हो तो आराम से बैठो और अपने अपने मन से पूछो, अपने दिल से। भाई ये भी एक टॉपिक है कि मन की सुननी चाहिए या फिर दिल की सुननी चाहिए, ये भी एक टॉपिक हो रखा है। इस टॉपिक के बारे में अगर जानना होगा तो यार कभी कमेंट करना, मैं बता दूंगा। एंड यार ये जो गाइस इतना मैं मोटिवेटेड हूँ, इतना काफ़ी मोटिवेटेड हूँ, मेरे को कोई भी कुछ भी कहते भाई ब्लॉगिंग ऐसा है वैसा है, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। गाइस मेरे को पता है कि हाँ मुझे गरीब लोगों की हेल्प करनी है, अपने पेरेंट्स को खुश रखना है बराबर, ये तो हर बंदे की गाइस सपना है ना, तो अपने माँ बाप को खुश रखे। गाइस मुझे अपने पेरेंट्स को बराबर खुश रखना है। मेरे पापा जी आज तक गाइस कहीं पे भी ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, वो कहीं पे ना इंडिया आउट ऑफ इंडिया गए हैं ना दूसरी स्टेट में जल्दी गए हैं, बहुत पहले की गए हैं। बहुत पहले के पापा जी ट्रैवल किए हैं गाइस अदर स्टेट्स में। यार मैं तो उनको स्टेट से बाहर निकले ही नहीं गाइस, मतलब इस मार्केट में ही शुरू से रह गए हैं। दूसरे कंट्रीज में भी इंजॉय कराना है, इंडिया को गाइस पूरा घुमाना है, गरीब लोगों की हेल्प करनी है गाइस, एनिमल्स की हेल्प करनी है। मेरे बहुत काफ़ी गाइस ड्रीम में पूरा करना है, तो मैं इतना काफ़ी मोटिवेट रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हाँ कहीं ना कहीं एक मुझे इतनी तगड़ी फैमिली मिलेगी गाइस, दिल खुश हो जाएगा। इतनी कहीं ना कहीं मेरे को इतना तगड़ा सब्सक्राइबर बेस मिल सकता है जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, एनिमल्स हेल्प कर सकूँ। क्योंकि जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा, डॉग्स वो कितना मैं वो मानता हूँ, क्योंकि गाइस आज से तकरीबन 2 साल पहले ना यार मैं इतना लिटरली बता रहा हूँ गाइस, लिटरली इतना मैं डरता था ना यार, इतना मैं डरता था डॉग्स के, भाई कहीं काट ना ले, यहाँ से निकला भाई कहीं पकड़ ना ले पैर अटला ना, भाई इसमें इतना डरता था डॉग्स से। बट अब पता नहीं क्या इतना काफ़ी लॉयल हो गया हूँ भाई, कोई भी डॉग्स आता है मेरे को कोई अंतर नहीं भाई, मैं तो खुद बुलाऊँगा डॉग्स को, लाता हूँ खिलाता हूँ, खिला करके तब भाई जाओ उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। आज क्योंकि आपने मेरे अगर मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं गाइस उन्होंने देखा होगा कि हाँ मेरे पास तकरीबन अराउंड 6-7 डॉग्स हैं। जब मैं निकलता था ना यार गाइस, मैं निकलता था ना तो मेरे को चारों तरफ से घेर लेते थे, मेरे को चारों तरफ से घेर लेते थे, भाई खाली जा रहा है रास्ता खाली कर,